Exercise example 4.12. Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to the south direction. What is the relative velocity of rain with respect to the woman? What is the direction in which she should hold her umbrella to protect herself from the rain? चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें दो बातें फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, और दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इन विच डायरेक्शन दैट वुमन इज गोइंग टू होल्ड हर अम्ब्रेला राइट सो दैट सी कैन सेव हरसेल्फ फ्रॉम रेन राइट. मतलब आप इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल से देखें तो हमें दो चीजें, एक रिलेटिव वेलोसिटी की है और एक डायरेक्शन की है राइट. इन दो बातों को फाइंड करना है. तो समोज इस क्वेश्चन के ऊपर से हम डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. यहां पर हमें ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन है तो इसको मैं वर्टिकल लिख देता हूं ठीक है. अब यहां पर मैं डायरेक्शन ले लेता हूं, सपोज ये नॉर्थ है मेरे लिए और यहां पर ये साउथ है ठीक है. तब आप देखेंगे वुमेन राइड बाइसिकल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइट. तो नॉर्थ टू साउथ यानी ये वुमेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये हमारे लिए मिड पॉइंट या सेंटर ओरिजिन कह सकते हैं आप राइट ओ है राइट. और ये जो है वेलोसिटी ऑफ वुमेन है वी डब्ल्यू ठीक है. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ये हमारे पास रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन मतलब ये जो वैक्टर है आपके लिए ये है वी आर राइट. क्या है वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन. हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो फाइंड है वो करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन राइट. हमें ये फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है वी आर डब्ल्यू राइट. तो वो क्या आएगा वी आर माइनस वी डब्ल्यू आएगा राइट. इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे बता सकते हैं वी आर प्लस ऑफ माइनस वी डब्ल्यू मतलब नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमन राइट. तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेक्टर हमें इसका बनाना है तो क्या करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी राइट. सो अपोजिट डायरेक्शन पे हमें ये जो वेक्टर नया मिलेगा ये माइनस ऑफ वी डब्ल्यू होगा ठीक है. तब ये दो इन दोनों के बीच में हम रिलेटिव वेलोसिटी पता कर सकते हैं राइट. चलिए पैरेललोग्राम मेथड का इस्तेमाल करें तो हम पैरेलल साइड बनाते हैं राइट. यहाँ पे इस साइड से पैरेलल बनाएंगे, देखते ये साइड है पैरेलल टू राइट दिस वी आर और दिस साइड इज पैरेलल टू माइनस वी डब्ल्यू. अब ये जो मिड पॉइंट हमें यहाँ पर मिला ये होगा हमारे लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी राइट विच इज वी आर डब्ल्यू विच इज वी आर सॉरी इट इज वी आर माइनस वी डब्ल्यू राइट. ये फॉर्म आएगा ठीक है. चलिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दी हुई है विच इज 30 राइट 30 मीटर पर सेकेंड राइट. इसी तरह वेलोसिटी ऑफ वुमेन भी दी है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो उसे हम यहां पर लिखेंगे तो ये आएगा 30 राइट. या मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस या माइनस ऑफ वी डब्ल्यू होल स्क्वायर राइट. ये फॉर्म आएगा. तब यहां पर क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज 30 राइट प्लस यह 10 स्क्वायर राइट जो आपको कितना मिलेगा इट इज 900 प्लस 100 सो 1000 सो 10 रूट 10 राइट. ये आपको मिलेगा 10 रूट 10 दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है. चलिए रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल गई ओके. अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शंस राइट. देखिए डायरेक्शन फाइंड करना है. अब आप यहां पर देख सकते हैं वेलोसिटी रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एंड वुमेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लियर. तब आप देखेंगे इस रिलेटिव डायरेक्शन, ये जो रिलेटिव डायरेक्शन है डब्ल्यू आर वी, इसी की डायरेक्शन में क्या होगा ये वुमेन अम्ब्रेला रखेगी. मतलब इसे अगर हम बैक साइड देखें तो अम्ब्रेला यहां पर ये अम्ब्रेला होगा
यार ऐसे बारिश हो रही होगी, ठीक है, तब आप देखेंगे ये जो एंगल आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस इज द सपोज, इसको कुछ भी एंगल ले सकते हैं आप, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बीटा ले लेता हूँ, तब आप देखेंगे ये बीटा एंगल जो है, दिस इज द एंगल बाय विच द वुमन होल्ड हर अम्ब्रेला अगेंस्ट द रेन, राइट। तो ये अगर बीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बीटा ये हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब आप यहां पर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पर आप सिंपली लिख दीजिए दैट इज टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होगा, देखिए यहां पर ये 90 होगा, राइट, तो अपोजिट क्या है आपके लिए ये, राइट, दिस साइड इज पैरेलल टू माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, राइट, तो माइनस साइन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर वी डब्ल्यू लिख दिया, अपॉन एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट साइड ये है विच इज वी आर, राइट। चलिए तब आप देखेंगे वी डब्ल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, सो एंसर इज 1/3, राइट, विच इज 0.3333, राइट। ये आपको 10 बीटा इज इक्वल टू मिला, तो बीटा इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसे 10 इनवर्स ऑफ, 10 इनवर्स में निकाल लीजिए नेचुरल टेंजेंट में, राइट, नेचुरल टेंजेंट में आपको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्लियर, जिसका आंसर आपको मिलेगा 18 डिग्री 26 मिनट, राइट। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट वुमन होल्ड हर अम्ब्रेला विद अ वर्टिकल 18.26 मिनट, राइट, और टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये साउथ डायरेक्शन के साथ, साउथ डायरेक्शन की तरफ, विच दिस मच ऑफ एंगल 18.26 मिनट होल्ड करेगी, राइट, क्लियर।